दोस्तों, मैं नहीं जानता था कि पबजी को लोग इतना ज़्यादा सीरियस लेंगे, और ना ही पबजी ही खुद कहता था कि भैया आप मुझे इतना सीरियस होकर खेलिए। और अभी फ़िलहाल क्या है कि दोस्तों, वेस्ट बंगाल से अभी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पबजी बैन होने से फर्स्ट्रेट होकर घबरा कर एक 21 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ये खबर सुनकर बहुत से लोगों को सैड फील हो रहा होगा और सबका दिल बैठा जा रहा होगा कि भैया ये क्या हो गया। मतलब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 21 साल का नौजवान लड़का सिंपल से पबजी बैन के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। मतलब आप सोच सकते हैं कि उस घर के पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी, और पेरेंट्स ने कभी भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि भैया एक गेम हमारी ज़िंदगी उजाड़ देगा। और आपको उस फैमिली की ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि ये पर्सनली रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ होता है। तो केवल उस लड़के का नाम मैं आपको बता देता हूँ। उस लड़के का नाम था प्रीतम, और स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ था। भैया, 2 सितंबर बुधवार को पबजी बैन हुआ, आप सभी जानते हैं, आप ही क्या पूरा इंडिया जानता है। और ये लड़का काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रीतम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था कि अरे यार, मतलब वो पबजी लवर था दोस्तों, एक साइड का मैं कह सकता हूँ, और डीपली पबजी लवर था वो। मतलब रात भर 2:30-3 बजे तक वो पबजी खेलता था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ में आप इतना ज़्यादा घुसे रहते हैं, अगर वो अचानक से बंद हो जाए तो यार दुख तो सभी को होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि शुक्रवार को गेम बुधवार को बंद हुई, लेकिन ये सभी चीज़ें जो घटना है वो शुक्रवार को हुई। यहाँ पर ये लड़का सुबह उठा, नॉर्मली गेम तो मतलब कि बंद हो गया है, लेकिन तभी अपना नाश्ता पानी कर आराम से वो अपने रूम में गया। कहानी अब यहीं से शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि जब उसकी जो मम्मी है, जब उसे दोपहर का खाना खाने के लिए बुलाने जाती है उसके रूम में, तो वहाँ पर जो रूम का दरवाज़ा होता है वो अंदर से लॉक रहता है, और वो जितने भी उसकी मम्मी पापा, जितने भी गार्जियन है, चिल्लाने पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। और इससे परेशान होकर अगल बगल के पड़ोसी भी आ जाते हैं, घर वाले बुलाते हैं कि भैया आओ देखो, और दरवाज़ा नहीं खुलता है दोस्तों। और धक्का देने के बावजूद जब दरवाज़ा टूट जाता है धक्का देने के बाद, तो पता चलता है कि माय गॉड, काम हो चुका है, लड़के ने अपनी जान लटक कर दे दी है। दोस्तों, एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी गेम को अपना माई बाप बनाकर खेलेंगे, या आप उसे अपना जान से बढ़कर मान के खेलेंगे, तो आपके साथ भी ये होगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। भैया देखिए, मैंने किसी भी वीडियो को इतना सीरियस होकर नहीं बनाया है जितना इस वीडियो को सीरियस होकर बना रहा हूँ। वो शायद आपके भैया भी हो सकते हैं, या आपके छोटे भाई हो सकते हैं, या आपके गार्जियन तक भी हो सकते हैं जो पबजी खेलते हैं। आप उन्हें समझाइए कि यार छोटा सा गेम ही तो बंद हुआ है, जीवन तो बैन नहीं हुआ, जीवन के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अब आप सोच सकते हैं कि उस लड़के के फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी कि भैया छोटा सा गेम हमारे लड़के को ले गया, इतने परिश्रम के बाद तो एक जीवन मिलता है, उसे हम एक छोटे से गेम के बैन होने से उड़ा दिए। क्या लगता है आपको, और क्या हमें ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है? कुछ कहा नहीं जा सकता, इंडिया एक ऐसा देश है कि जहाँ पर अब ये सभी चीज़ें आसान हो रही है, क्योंकि अभी 1-2 महीने नहीं, शायद 6-7 महीने पहले ही एक और इसी तरह की डेथ न्यूज़ आई थी कि एक लड़का पबजी खेलने के चक्कर में खूब पबजी में लीन था, और अचानक छोटे से गलती की वजह से वो हार जाता है। तो वहाँ पर वो खूब तेज से चिल्लाता है ब्लास्ट ब्लास्ट, और उसी में उसकी हार्ट अटैक आ जाती है, और वो वहीं पर एक्सपर्ट डेथ कर जाता है। तो यहाँ भी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पबजी गेम अच्छा है, मैं भी खेलता हूँ, बट मैं उसे आज तक सीरियस नहीं लिया। मैं उसे एक खिलौने की तरह लेता हूँ, खेलता हूँ, लात मार के हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं। लेकिन कई लोग होते हैं कि भैया उसे दिन भर सोचेंगे, भैया चलो आज ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, कल वो ट्रिक अप्लाई करेंगे, और इसी में उनका खुद का ट्रिक हो जाता है। देखिए, कोई भी मजाक नहीं हो रहा, सब सीरियस हो रहा है, ठीक है। प्रीतम अब इस दुनिया में नहीं रहा, और घर वाले पर आप सोच सकते हैं क्या बीतती होगी। आगे रिलेशन में अगर कुछ आपके ऐसा हुआ होगा तो आप समझ सकते हैं घर में माहौल, और किसी का जवान बेटा जब छोड़कर चल जाए तो आपको समझ में आ सकता है कि भैया क्या बीतेगी, जिसकी माँ बाप की पूरी ज़िंदगी बुढ़ापा उसी के सहारे है, अगर वही ना रहे तो माँ बाप का भी क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं।
तो अब मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ कि भैया देखो, गेम है तो उसे गेम की तरह ही खेलो, उसे अपने अंगूठे के नीचे दबा कर ही खेलो, सर पर रख के खेलोगे तो यही होगा। कल के ये प्रीतम आपके भाई बहन, आपके छोटे भाई, आपके गार्जियन भी हो सकते हैं। अगर कोई भी अगल बगल आपके ज़्यादा पबजी खेलता है या कोई भी फ्री फायर खेलता है तो उसे समझाओ, भैया देखो अपना ही नुकसान करोगे, किसी दिन ना किसी दिन ये भी बैन हो गया तो तुम भी सुसाइड कर लोगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी मैं एफर्ट लगा के बना रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से आप समझाइए कि भैया बैन हो गया, बैन हो गया, कोई बात नहीं, दूसरी गेम खेलो। अरे इतना बढ़िया, हाँ, सब्वे सफ़र है, टेम्पल रन 2 है, डॉक्टर ड्राइविंग है, कंस्ट्रक्शन सिटी है, पुराने गेम्स हमारे इतने अच्छे अच्छे हैं तो क्या ज़रूरत है पबजी जैसा गेम खेलने का, ऑनलाइन गेम खेलने की ज़रूरत ही क्या है। और तो साले ये ख़राब सिस्टम ये लेकर आए हैं कि भैया तुम पैसा देकर सामान खरीदो। भैया ये पैसा वाली कौन बात है, पैसा क्यों लगाए हम? हमारी पुरानी गेम में आपने देखा है कि वहाँ पे कॉइन जितने जितना तुम आगे जाओगे वहाँ पे आपको कॉइन मिलेगा और उस हिसाब से ही आप सामान लेंगे, उस हिसाब से आप सामान दीजिए। आप पैसा लगाने के वैसे ही तरह एक लड़के ने 16 लाख उड़ा दिया, एक लड़के 2 लाख, मतलब कि जान जाइए कि करोड़ों रुपये पबजी पर उड़ चुके हैं और कई जाने कहीं इसका बैन होना जायज़ है। और बहुत खबरें मिल रही हैं और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अपलोड होने की, भैया ये अनबैन होगा, तो देखिए क्या होता है। अब तो ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन प्रीतम की जान तो अब चल गई, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। तो हाथ जोड़कर गुजारिश है कि भैया अगर कोई खेलता है तो समझा दो यार, मत मत करो ऐसा, बहुत पछताओगे। तो जाने का टाइम आ गया है, ज़्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूँ, ना ही आपसे किसी चीज़ की आम रखूँगा, ना ही आपसे किसी चीज़ की मैं उम्मीद रखूँगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो एक सैड वीडियो है और मेरी सबसे सीरियस होकर ये वीडियो बनाया है मैंने। तो बस आखिरी बात, थैंक यू।